हेलो फ्रेंड्स, आज हम बर्गर बनाएंगे, वेजिटेबल बर्गर। वेजिटेबल बर्गर बनाने के लिए हमने ये बंस ले लिए हैं। बंस आपको कहीं भी मार्केट में आसानी से मिल जाएंगे। और बर्गर आपको सुबह के नाश्ते, शाम को किसी भी टाइम बना के खा सकते हैं। मैं इनको सुबह के नाश्ते में बना रही हूँ। इनको बच्चे बड़े सभी बहुत खुश होके खाते हैं। देखिए, अब हम बर्गर की टिक्की बनाना शुरू करते हैं। उसके लिए हमने ये 3 बॉईल किए हुए आलू ले लिए हैं और ये अदरक का पेस्ट ले लिया है, ये 1 चम्मच लहसुन का पेस्ट ले लिया है और 2 कटी हुई हरी मिर्ची और ये कुछ मसाले ले लिए हैं। 1 चम्मच आमचूर पाउडर, 1 चम्मच धनिया पाउडर, ये पिसा हुआ जीरा पाउडर और 1 छोटा चम्मच नमक। इनको अब हम मिक्स कर लेंगे। देखिए, आलू को हम कद्दूकस कर लेंगे, ऐसे कद्दूकस कर लेंगे। टिक्की बनाने के लिए आलू को कद्दूकस करें, क्योंकि अगर आप मिक्स करेंगे तो ये आलू मोटे भी रह सकते हैं। इनको ऐसे कद्दूकस कर लें। आलू अच्छे से कद्दूकस हो गए हैं। अब हम इसमें ये हरी मिर्ची डाल देंगे, ये लहसुन का पेस्ट डाल देंगे, ये अदरक का पेस्ट डाल देंगे और ये जो हमने मसाले लिए थे वे मसाले डाल देंगे। और अब हम इसमें ये सिंगाड़े का आटा डाल देंगे। आपकी अपनी मर्जी है, आप अरारोट पाउडर भी डाल सकते हैं। अब हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। टिक्की बनाने के लिए आप ऐसे ही मिक्सर बनाएं। देखिए, आलू अच्छे से मिक्स हो गए हैं टिक्की के लिए। अब हम पैन में तेल गरम कर लेंगे। उसके लिए ये 2 से 3 टेबलस्पून ऑयल लिया है मैंने। आप अपने जो भी ऑयल लेते हो वही ले सकते हैं। इसको अच्छे से गरम कर लेंगे। और टिक्की को हमने ऐसे गोल गोल पीसीज में बना लिया। देखिए, तेल अच्छे से गर्म हो गया। अब हम इसमें ये टिक्की डाल देंगे, ऐसे सेफ में बनाकर, और इसको ऐसे डाल देंगे। जब तक ये टिक्की सिक कर तैयार होएंगी, जब तक हम खीरे को गोल गोल पीसीज में काट लेंगे। देखिए, ऐसे गोल पीसेज में हम खीरे को काट लेंगे। ऐसे
ये टिक्की देखिए एक साइड से सिककर तैयार हो गई। अब हम इसको दूसरी साइड पलट देंगे, टिक्की को स्लो गैस पे ही पकाएं, ज्यादा तेज गैस पे पकाएंगे तो ये जल जाएगी। देखिए ये खीरे हमने गोल गोल पीसेज में काट लिए। अब हम टमाटर को भी गोल पीसेज में काट लेंगे जब तक टिक्की सिककर तैयार होगी, ऐसे काट लेंगे। उसे टमाटर प्याज और खीरे को हम गोल पीसेज में काट लेंगे। देखिए ये टिक्की अच्छे से सिककर तैयार हो गई है। अब हम इनको निकाल लेंगे। देखिए कितनी कुरकुरी सी टिक्की बनके तैयार है। और अब हम इनको एक बर्तन में निकाल लेंगे। देखिए ये बंस हमारे सिककर तैयार हो गए हैं। अब हम ये बंस के ऊपर चीज स्लाइस रखेंगे। आप दो तरह से बर्गर बना सकते हैं, एक के ऊपर सॉस लगा के, अगर आपके ऊपर चीज स्लाइस नहीं है तो आप सॉस लगाकर भी बना सकते हैं। देखिए ये, अब हम इसके ऊपर ये टिक्की रख देंगे और अब ये अमूल क्रीम रख देंगे। देखिए अमूल क्रीम के साथ बर्गर और भी ज्यादा टेस्टी लगता है। और अब हम इसके ऊपर ये खीरे रख देंगे। ये टमाटर रख देंगे। इनके ऊपर हम थोड़ा थोड़ा चाट मसाला डाल देंगे। अब हम इसके ऊपर ये प्याज रख देंगे। और प्याज के ऊपर भी हम थोड़ा सा चाट मसाला डाल देंगे। और अब हम इनके ऊपर ये बंस डाल देंगे, ऊपर से रख देंगे। देखिए ये बर्गर बनके तैयार है। देखिए ये दो तरह से बर्गर बनके तैयार है, एक चीज स्लाइस से बना है और एक सॉस से बना है। आपको जो भी बर्गर पसंद हो आप उसी तरह से बना सकते हैं। ये बहुत ही जल्दी बनके तैयार हो जाता है और बहुत ही टेस्टी बर्गर बनके तैयार हो गया है। बर्गर बनाना आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, बाय।